गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 प्रोसीड करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में हमारे पास एक एक्सरसाइज में दो मेथड है। वन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड सेकंड इज एक और मेथड है जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो आज हम जो आपको इस वीडियो में समझाएंगे वो सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कल करेंगे। देखिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या है, लेट्स सपोज इस टाइप की आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 लेकर आना है। तो जो भी एक्स स्क्वायर के आगे होगा, अगर तो 1 है तो इट्स गुड, अगर 1 नहीं है तो आपको जो भी कोफिशियंट में जो भी नंबर होगा आपको इस पूरी इक्वेशन को उस नंबर से डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे भाई लिखा ए है, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय ए। तो ए से डिवाइड करके एक्स स्क्वायर बचा, बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपके पास बी बाय ए आया है उसके बाद जो जो डिनोमिनेटर है ए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा बी बाई 2 ए। उसके स्क्वेयर को 1 टाइम तो प्लस करेंगे, ऐड करेंगे एंड 1 टाइम माइनस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में ही करेंगे आप। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वेयर बी बाई ए एक्स प्लस सी बाय प्लस बी बाय 2 ए का स्क्वेयर एक बारी ऐड किया प्लस बी बाई 2 ए का स्क्वेयर एक बारी माइनस किया इक्वल्स टू तो 0 पड़ा ही है। देखिए, बेसिक थिंग क्या होती है मैथ्स के अंदर हमेशा, कि हमारी इक्वेशन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। या तो हम कोई भी नंबर प्लस करते हैं तो हम दोनों साइड इक्वेशन की लेफ्ट साइड एंड राइट साइड प्लस कर देते हैं ताकि वो आपस में कैंसिल हो जाए, और अगर एक ही साइड करते हैं तो उसी नंबर को प्लस भी किया माइनस भी किया जाता है। जैसे यहाँ है कि अगर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो बेसिक इक्वेशन हमारी चेंज नहीं होगी। तो इसीलिए हमने प्लस या और माइनस दोनों चीज़ें करते हैं, कभी भी एक चीज़ नहीं करते हैं उससे बेसिक इक्वेशन चेंज हो जाती है। तो ये मैथ्स का रूल है कि बेसिक इक्वेशन में कभी भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। आगे देखिए, हमने ये क्यों किया, माइनस वाले को आप कभी भी यहाँ पे एज इट इज़ ही रखेंगे, कभी भी आप इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो हमेशा प्लस वाले के साथ लगाएंगे। देखिए क्या लगेगा, एक्स स्क्वेयर के साथ जो प्लस वाला है बी बाई 2 ए का स्क्वेयर, उसको आगे लिख देंगे आप एक्स स्क्वेयर के साथ। अब ये जो बी बाई ए एक्स है इसको एक बारी भूल जाइए। आप क्या करो, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy का फॉर्मूला पुट करके देखिए, एक्स 2 मल्टीप्लाई एक्स हो गया, y की जगह क्या लिखेंगे b बाई 2 ए। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है b बाई ए एक्स, यही टर्म आ जाती है आपके पास। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इसको आप एक बार ही फॉरगेट कर दीजिए और आप यहाँ पे x 2x इंटू वाई का फॉर्मूला लगाइए ताकि आपके पास यही आ जाए। अब जो बचा, तो ये तो हमारी आ गई यहाँ से, तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो बचा वो क्या है, c बाय वो लिखा और माइनस का b बाय 2 ए का स्क्वायर वो लिखा इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे तो फॉर्मूला लग रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy, तो यहाँ पे आप ऑल ओवर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में होल स्क्वेयर डालकर x प्लस वाई, वाई की जगह b बाय 2 ए। तो यहाँ पे आपका होल फॉर्मूला लग गया इस पूरे इस यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पे तो ये फॉर्मूला लग गया। अब जो बचा वो आप यहाँ पे लिखिए और फिर इसको आगे सॉल्व आउट करेंगे तो आपके आगे वैल्यू आ जाएगी एक्स की, और अच्छे से आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में कि हम इसको आगे सॉल्व आउट। एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट था 2, तो यहाँ पे डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, तो एक्स स्क्वेयर को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वेयर 7 माइनस का 7 बाय 2 एक्स 3 बाय 2 इक्वल्स टू 0। अब वही सेम कि जो यहाँ पे बी बाय ए है उसको 2 से डिवाइड करके स्क्वेयर करके मैंने एक बारी ऐड किया एक बारी सब्ट्रैक्ट किया, तो बी की वैल्यू बी बाई ए कितना है 7 बाई 2, क्योंकि ए ही तो था जो हम यहाँ पे लेकर आए थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7 बाई 4 का स्क्वेयर। तो 7 बाई 4 के स्क्वेयर को एक बारी प्लस करेंगे एक बारी माइनस करेंगे। देखिए इक्वेशन में एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ है, माइनस का 7 बाई 2 एक्स एज इट इज़ था, 3 बाई 2 एज इट इज़ था। अब 7 बाई 4 का स्क्वेयर एक बारी ऐड किया एक बारी माइनस किया इक्वल्स टू 0 हो गया। अब फिर वही सेम जो प्लस वाला है उसको आगे ले आइए एक्स स्क्वेयर के साथ आगे ले आए, अब फिर इसको भूल जाइए और इस पर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही लगेगा। उसका फॉर्मूला पुट करके देखिए, 2 इंटू एक्स इंटू 7 बाई 4, 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 पे, 7 बाई 2x यही है यहाँ पे आ गया। अब c बाई कितना था 3 बाई 2, और जो माइनस वाला है उसको लिखा इक्वल्स टू 0। अब अगेन इस यहाँ से लेकर यहाँ तक पे तो आपका फॉर्मूला लगेगा x माइनस वाई होल स्क्वेयर का, x x है और y की वैल्यू है 7 बाई 4। इसको सॉल्व कीजिए, 3 बाई 2 एस टी, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 0, ये सेम पड़ा रहेगा। अब यहाँ पे 2 और 16 का एलसीएम लिया 16, एलसीएम सॉल्व किया, 24 माइनस 49 इज़ माइनस का 25 बाई 16। अब ये जो माइनस का 25 बाई 16 मैंने आपको आगे बोला था कि आगे सॉल्व, माइनस का 25 बाई 16 मैंने आपको आगे बोला था कि आगे सॉल्व होगा, एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो आप क्या करें, माइनस के 25 बाई 16 को लेफ्ट साइड से इक्वल के उधर दूसरी राइट साइड में लेकर जाइए, तो इसका साइन माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा।
जैसे ये प्लस का होता है आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये स्क्वेयर बन रहा है, ये 5 का ये 4 का, तो आप लिखेंगे 5/4 का होल स्क्वेयर। ये भी स्क्वेयर था, ये भी स्क्वेयर था, तो ऑब्वियस है कि एक इक्वल के लेफ्ट है एक राइट में है, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो गया तो ये इक्वेशन आ गई एक्स माइनस 7/4 माइनस 5/4। अब आपको एक्स निकालना है तो माइनस का 7/4 अगेन उधर जाएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4 4 एलसीएम, 5 + 7 इज 12/4, 4 के टेबल में 12 3 पे, तो एक्स की वैल्यू आ जाती है आपके पास 3। इस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। विद दिस मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड से एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सॉल्व होगा, वहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड से सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा जो कि हम कल करेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन फोर्थ से 11th तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें हमने खुद से इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है। तो आपकी विश है आप इक्वेशंस बना लीजिएगा, और आप चाहे तो कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे जो हम कल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे उससे भी सॉल्व करके देख सकते हैं।